गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है मेरा नया बचपन और इसकी लेखिका है, कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस लेसन में कवित्री क्या कहती है, अपने बचपन को याद करती है कि कैसे उसका बचपन एक सरल भोला मधुर यादों से एक अतुलित आनंद से भरा हुआ था। तो कवित्री अपने बचपन को याद करती है, उसके दोबारा आने की इच्छा व्यक्त करती है कि शायद मेरा बचपन दोबारा लौट आए। जो कवित्री अपने बचपन की शरारतें, अटखेलियाँ, अपने बचपन की झलक देखती है, वह इन सब को एक बार अपनी बेटी के बचपन में भी देखती है। तो अपनी बिटिया के बचपन को देख के उसे अपना बचपन याद आता है, ठीक है, कि उन्हें लगता है कि शायद उसका ही बचपन लौट आया है। तो अब हम इस कविता में पढ़ते हैं कि कवित्री क्या कहती है इसके बारे में। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवित्री क्या कहती है कि मुझे अपने बचपन की याद बार बार आती है, मुझे अपने बचपन की बार बार याद आती है जो मेरे जीवन को आह्लादित यानी प्रसन्नता से, खुशी से भरने वाली है, ठीक है। चिंता रहित खेलना, ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, कि तू मेरे जीवन की सबसे मस्त खुशी ले गया, यानी उसकी सबसे मस्त खुशी क्या थी, उसके बचपन का टाइम था जो वो था। चिंता रहित खेलना, खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, यानी बचपन में क्या होता है कि हम चिंता रहित खेलते खाते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होती, ठीक है। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, वह बिल्कुल आज़ाद फिरना, ठीक है, स्वच्छंद रूप से विचरण करना, वह सिर्फ क्या खेलती थी और खाती पीती थी। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, कि मैं अपने बचपन के उस अतुलित आनंद को कैसे भूल सकती हूँ। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, कि जब मैं रोती थी छोटी छोटी वस्तुओं को देखकर मचल उठती थी, ठीक है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, कि छोटी छोटी वस्तुओं को देखकर जैसे बच्चा मचल उठता है, रोता है, फिर उसकी जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो क्या होते हैं, उसके गालों को छूते हुए नीचे आते हैं, ठीक है, उसके गीले गालों को चूमकर क्या है उसकी मधुर से गले लगाती है जो कवित्री है। तो मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँच कर चुम चुम गीले गालों को सुखा दिया। कवित्री बचपन से अनुरोध कर रही है कि वह फिर से आ जाए और फिर से उसे सुख शांति प्रदान करे। तब माँ अपना काम छोड़कर भागकर आती है, मेरे गीले गालों को चुमकर मुझे गले लगा लेती है, ठीक है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। निर्मल शांति क्या होता है, निर्मल क्या होता है, मैल रहित, यानी वह बचपन से अनुरोध कर रही है कि एक बार फिर आ जा और वो जो मैल रहित शांति है, निर्मल शांति है, वो मुझे एक बार फिर दे दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। प्राकृतिक विश्रांति क्या होता है, स्वाभाविक सुख, स्वाभाविक सुख चैन, ठीक है। तो वह क्या कहती है कि वह फिर से आ जाए और फिर से मुझे सुख शांति प्रदान करे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, व्यथा क्या होता है, दुखड़ा, कि जो मेरा अब है मेरे जीवन में वो दोबारा, वही बचपन मुझसे दोबारा मिल जाए। वह भोली से मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, ठीक है। तो कवित्री क्या कहती है कि बचपन दोबारा आकर मेरे जो मेरा वह बचपन का जो भोलापन है, सादगी है, प्यारा सा जीवन है, जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार का पाप नहीं करता, निष्पाप होता है पाप रहित, किसी प्रकार का पाप नहीं करता, क्या वह मेरा जीवन दोबारा आ सकता है, ठीक है। यानी वह अपने मन की एक प्रकार से मन बचपन में की जो झलक है उसको एक बार से अपनी बिटिया के बचपन में देखकर व्यक्त कर रही है। वह अपने मन की जो अनुरोध है उसके मन का, उसको कविता के माध्यम से बता रही है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। कवित्री कहती है कि मैं बचपन को बुला रही थी, मेरी बिटिया बोल उठी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी बिटिया मेरी। नंदन वन क्या होता है कि इंद्र का बगीचा,
कवित्री क्या अपने बचपन की यादों में खोई होती है, तभी उसकी एक प्यारी सी बिटिया उसे पुकारने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी कुटिया में खुशियाँ छा गई हों। ठीक है, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। जैसे आप पिक में देखते हैं गुड़िया के मुंह में क्या है, मिट्टी है, और हाथों में भी, ये दोनों हाथों में भी मिट्टी लिए हुए है। तो ये अपनी माँ से क्या कहकर बुलाती है, माँ ओ, कुछ मुंह में लिए कुछ हाथ में लिए मुझे खिलाने आई थी। जो इसकी कवित्री की जो बिटिया है वो मिट्टी मुंह में लिए और कुछ हाथ में लिए अपनी माँ को यानी कवित्री को खिलाने आई थी। उलक रहे थे अंग द्रिंगों में, द्रिंगों क्या था, आँख, कौतूहल था छलक रहा, मुँह में थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था छलक रहा। वह थोड़ी सी जब कवित्री की जो बिटी होती है वह थोड़ी सी मिट्टी खाकर आई थी, हाथ में मिट्टी लेकर कवित्री को खिलाने आई थी, तो उसके हर अंग में क्या है, प्रसन्नता छाई हुई थी, उसके हर अंग में प्रसन्नता छाई हुई थी। उसका चेहरा प्रसन्नता के कारण लाल हो रहा था, उसके चेहरे पर क्या है, विजय का गर्व झलक रहा था। मैंने पूछा यह क्या लाई, कवित्री कहती है कि मैंने उसे पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह, माँ काओ यानी माँ इसको खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। यानी उसकी वो शब्द सुनकर प्रफुल्लित होता है, बहुत खुश होना, उसका शब्द सुनकर माँ का हृदय बहुत खुश हुआ और उसने क्या वापस जवाब दिया कि नहीं तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, कि उसकी यह बात सुनकर, पुत्री की मिठास भरी ध्वनि सुनकर, बात सुनकर माँ को कैसा एहसास हुआ, प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता का एहसास हुआ। और जब पुत्री ने माँ से मिट्टी खाने के लिए कहा तो कवित्री ने उसे ही वापस मिट्टी खाने के लिए कहा। अपने बेटे की तोतली आवाज़ सुनकर कवित्री का बचपन फिर से लौट आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया, तो उसके मन को लुभाने वाली मूर्ति को देखकर, ठीक है, यानी बिटिया की, उसमें क्या है, नए जीवन का फिर से संचार आया। मंजुल होता है मन को लुभाने वाला। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, यानी कवित्री कहती है कि वह भी अपनी पुत्री के साथ उसके समान गतिविधियाँ करती है, खाती है तुतलाती है, यानी तोतली भाषा में बात करती है, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। यानी उसके साथ मिलकर क्या है, वह दोबारा से उसी बचपने में आ जाती है जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया है। कवित्री क्या कहती है कि मैं जिसे बचपन से ढूंढ रही थी, जिस बचपन को ढूंढ रही थी, उस बचपन का, वह बचपन उसकी पुत्री के रूप में दोबारा फिर से लौट आया है, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया है, कि वह जिसे कहीं दूर छोड़ आई थी वह दोबारा उन्हें प्राप्त हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसने क्या किया, एक बचपन की, अपने बचपन को याद किया है, ठीक है, अपने बचपन के दोबारा लौटाने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। वह अपनी बिटिया के बचपन में अपने बचपन को याद करती है, ठीक है। तो ये हमारी आज एक कविता थी, आप इसे एक बार रीड जरूर करोगे, इस लिंक का यूज़ करोगे। ओके, थैंक।